पढ़ने का मन नहीं है, चलो भाई लम टेल बता दो। हाँ तोड़ दो फोड़ दो, चल भाई हो गया। हाँ तो मतलब अभी तक कितना लालटेन आपने फोड़ दिया होगा? अब गिनती थोड़े किए हैं, बच्चा थे हम। बच्चा थे, मजबूत थे, इन्होंने बहुत मार खाया है मिस्टर सर की का, और हमारे जो भी शिक्षक गण हैं स्वैब सर, नईम सर वगैरह वगैरह जो भी टीचर्स हैं, सबका मार बहुत खाया है इन्होंने, और बहुत शरीर इनका मजबूत भी है बेसिकली। तो हम आज जो है हमारे बीच में आए हैं कई सालों के बाद, मतलब समझिए 7-8 साल के रहे होंगे या 10 साल के नीचे के रहे होंगे, तब हम लोग जो है एक साथ पढ़ाई करने का काम करते थे। ये हमारे यहाँ ही रहते थे, मतलब समझिए कि ये हॉस्टल में रहते थे। तो बदमाशी के मामले में जो भी हमारे दोस्त होंगे जानते होंगे इनको। 7 साल। हाँ धीरज भाई, ये कटोरी ये जो है ना, धीरज भाई हमसे पूछे कि नाज भाई आप क्या करते हैं, तो हम सोचे कि हम क्या बतावे कि हम क्या करते हैं। मैंने सोचा कि चलो भाई मेरा जो प्रोडक्शन है इसी कटोरी में क्यों ना धीरज भाई को खिला दिया जाए, कि धीरज भाई भी याद रखें कि भाई हम गए तो कुछ नई चीज़ें हमको खाने को मिली। तो धीरज भाई ये जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको आप खाइए, इसमें जो है मतलब है, और ये मक्के का जो छिलका होता है उससे बना हुआ है, ठीक है, मक्के का जो छिलका होता है उससे बना हुआ है, बहुत ही अलग तरह की चीज़ है। और आप चूरा खाइए और प्रोडक्ट्स के को देखिए, अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से आपको देखने में। तो देख रहे होंगे हमारे धीरज भाई, हमारे बचपन के दोस्त, किस तरीके से प्रोडक्ट को बहुत ही गौर से देख रहे हैं और प्रोडक्ट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि भाई ये नई चीज़ क्या है। हमसे इन्होंने पूछा कि भाई आप नाज भाई आप क्या करते हैं, तो मैंने बताया कि भाई मतलब कुछ करता हूँ इनोवेटिव, कुछ वर्क करता रहता हूँ मेनली। तो धीरज भाई को मैंने, नमक नहीं रहता? हाँ मैंने ड्राई दिया आपको, सूखा। हाँ ये फ़िलहाल अभी नगर निगम में काम करते हैं आप? नहीं, नगर निगम में काम करते हैं। तो बचपन में कैसे कैसे आपको पिटाई लगी थी, इसके बारे में कुछ हमारे चाहने वालों को बताइए, किस तरह से आप मार खाया करते थे। तो वो पुरानी बात हो गई, छोड़िए क्या कहा जाए। कह रहे हैं, शर्मा रहे हैं धीरज भाई। धीरज भाई कह रहे हैं कि वो पुरानी बात। धीरज भाई मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा स्कूल में किस टीचर से आपको डर लगता था? नाम क्या सर? मिस्टर सर। मिस्टर सर से लगा रखा था। मिस्टर सर बहुत मारते थे क्या आपको? मारते मतलब बच्चा रहते, बहुत पढ़ाई के लिए मारते थे, लेकिन ठीक है, बढ़िया बात है, कुछ करने के लिए गार्जियन का गुरु का मार खाना चाहिए। गुरु का मार खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो गुस्सा वगैरह कभी आपको नहीं आता था जो सर गुस्सा मारते तो थे? सबको आता है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूर है, ठीक है, सब आदमी पढ़ना नहीं पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा धरती के लिए। यहाँ पर आप इस घर में हम लोग के साथ में कितना कितने सालों तक आप रहे हैं? रहें 12-13 साल। 12-13 साल, मतलब मोटा मोटी 10 साल तो कम से कम रहे ही हैं हम लोग के साथ में। जैसा कि धीरज भाई कह रहे हैं कि हम लोग के साथ में ये 10 साल जो इन्होंने गुजारा है। और लालटे किस चीज़ में पढ़ाई करते थे आप? लालटेन में पढ़ते थे हम लोग। अच्छा अच्छा जला के यहाँ पे 5 आदमी 5 भाई बैठते थे पढ़ते थे। हाँ बढ़िया। उस समय आप कहाँ हैं यार, आप तो प्रेम नहीं रहा अपने में, अपने भाई लोगों में प्रेम नहीं है, दुनिया भर। लालटेन का शीशा भी फोड़ देते थे कभी कभी? हाँ गुस्सा आता था फोड़ देते थे कभी कभी, अगर पढ़ने का मन नहीं हुआ तो लालटेन का शीशा भी फोड़ देते थे ना। हाँ मरिया तो मुँह जाते थे मच्छरदानी की तरह। हाँ तो आपने सुना कि कभी कभी अगर पढ़ने का मन नहीं होता था तो धीरज भाई जो है लालटेन का शीशा भी फोड़ देते थे, मतलब बदमाशी का इतना जो है ना, मतलब बदमाशी इतना चरम सीमा पर था कि शीशा फोड़ने में भी गुरेज नहीं करते थे, शीशा फोड़ देते थे और मच्छरदानी के अंदर जो है घुस जाते थे ना। तो धीरज भाई मतलब बचपन की कुछ यादें अगर हों तो साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ, कि जो एक बार आप जो है के जो है छत पर से आप एक बार कूद गए थे स्कूल में। स्कूल में? हाँ। किसके साथ कूदे थे? मेरे साथ। हमको पुरानी बात हम है। बहुत पुरानी बात है। एक बार क्या हुआ कि धीरज भाई लैटिंग भी पुराना अभी है, अभी है, है जो स्कूल के अंदर टॉयलेट है, टॉयलेट की जो छत है, तो क्या हुआ कि हम में और धीरज भाई में एक बार बाजी लग गया है। धीरज भाई ने बोला कि नाज भाई तुम कूदो, हम दोनों आदमी छत पे चढ़ गए, टॉयलेट का छत था उस पर चढ़ गए, छत की ऊंचाई भी थी नहीं। अब धीरज भाई क्या किए, कूद गए,
छत पर से, अब हम पर प्रेशर बन गया, अभी नीचे से बेचारे फोर्स कर रहे हैं कि भाई हम कूद गए हैं तुमको भी कूदना पड़ेगा, और हम तो भाई बहुत सोच समझ के डील करते थे कोई भी चीज़, ये बेचारे हमको फोर्स करने लगे मजबूरी में, हम भी जो है छलांग लगा दिए। हम जो छलांग लगाए तो मेरा पांव ऊपर उठा रह गया, अब बड़ी ख़तरनाक चोट हमको लगी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर डॉक्टर के पास भी हमको जाना पड़ गया। कुछ नहीं हुआ इनको, कुछ नहीं हुआ आपको, कुछ नहीं हुआ हमको, कुछ बहुत बहुत मजबूत आदमी है। और ये जो मेरा जो होंठ वाला जो मामला कैसे कैसे क्या हुआ, मेरा जो होंठ जो थोड़ा मोटा है या फिर जो कट गया था तो टाँका लगा था, टाँका लगा था, कैसे हुआ था? गिर गए थे ऊपर से। हाँ, तो जैसे कि ये बदमाश थे तो बदमाशी के मामले में हम भी कोई कमज़ोर नहीं थे, इनके बाद किसी का नंबर था तो मेरा ही था, तो एक हम भी एक बार कूदे गिर गए, और उसके बाद मुन्ना डॉक्टर एक थे, इन्होंने टाँका दिया बार और टांग तरीके से टाँका दे दिया, और एक तरफ का मेरा वोट का लेयर जो है थोड़ा ऊपर खराब हो गया। तो इससे भी धीरज भाई का बहुत अहम रोल है, तो हमारी ज़िंदगी में धीरज भाई का बहुत अहमियत है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों में अक्सर जो है कुश्ती होती थी, कौन जीतता है कुश्ती होती थी ना, कुश्ती होती थी, यहाँ पे पढ़ाई के लिए माँ पिटा जाता था, हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, तो इसमें कौन जीतता था, हम में आप में लड़ाई होता था तो कौन जीतता था, फिर सब आ जाता था, तब बस सब हमको जाके पकड़ आपको उधर पकड़ के ले जाता था, चले भाई लड़ो नहीं, समझा बुझाके, हाँ ले भाई हम जब गुस्सा टलम टलम फोड़ देते थे तो सब पता छोड़ दो मत लड़ो। तब सुना आपने धीरज भाई जब भी गुस्सा आते थे तो लालटेन फोड़ते थे, लालटेन इसलिए फोड़ते थे कि लालटेन फोड़ने से कई फायदे हैं, लालटेन फोड़ेंगे तो सबका फायदा है, क्योंकि मतलब लालटेन ये फोड़ेंगे ये अब पढ़ाई किसी की नहीं होगी, तो मतलब सारे बच्चे आज़ाद हो जाएंगे, कितना मतलब अच्छा काम और नेक काम करते थे, सोचिए धीरज भाई हमारे उस वक्त जो है बहुत बड़ा नेक काम को अंजाम देते थे, मतलब लालटेन फोड़ कर समझिए कि हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करते थे, क्योंकि पढ़ने का मन तो भाई किसी को नहीं करता है, किसी को मन करता ही नहीं, और ये लालटेन फोड़ते थे, लालटेन फूटना मतलब चलो भाई एक घंटा निकल गया, एक घंटा तक जाएगा आदमी चौक पे शीशा लाएगा फिर लगाएगा, एक घंटा टाइम पास हो गया, और उसके बाद जो है टाइम ख़त्म पढ़ने का, उसके बाद आराम। तो धीरे धीरे से हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, इनके पास एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते थे, एक बार इनको कोई मार दिया और रोना चालू कर दिया, अब रोना जब रोने लगे, स्कूल में हम लोग लड़ाते पढ़ते थे, जब 5 मिनट फंस जाते थे, हाई जंप लॉन्ग जंप करते थे, हाई जंप लॉन्ग जंप करते थे ना, जब रोना चालू करते थे तो जब बिना पैसा लिए नहीं चुप होते थे, इनमें खासियत थी, तो हमारे एक हीरा भाई थे तो इनको 5 रुपया दिए कि चुप हो जाओ, नहीं चुप हुआ, फिर 2 रुपया और दिए, 7 रुपया दिए, फिर भी चुप नहीं हुआ, है ना, चॉकलेट ला के दिए तभी चुप नहीं हुआ, तो मतलब इनके पास एक्टिंग भी थी, अगर कोई थोड़ा बहुत अगर टच कर दिया तो रोना चालू, अब पैसा लेना है इनको, कुछ खाना पीना है तो खाने पीने के बाद ही जो है अपना जो है चुप होने का काम करते थे, पढ़ने का मन नहीं है, चलो भाई लमटेल बता दो, हाँ तोड़ दो फोड़ दो चल भाई हो गया। हाँ तो मतलब अभी तक कितना लालटेन आपने फोड़ दिया होगा? अब गिनती थोड़े किए हैं, बच्चा थे हम, बच्चा थे। ओ तो अभी भी आपने धीरज भाई को सुना कि इन्होंने कितना नेक काम और भलाई का काम किया, कि इन्होंने जो है लालटेन जो है बहुत सारा लालटेन जो है फोड़ दिया, और मेनली ये जो हमारे दोस्त ही नहीं भाई हैं कहिए, और इनका जो एक अहम रोल है हम लोग की ज़िंदगी में, इसको भुलाया नहीं जा सकता, इंसान है, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आता रहेगा, इंसान बढ़ता है, देर सवेर सब लोग एक दूसरे से बिछड़ता है, अलग अलग हो जाता है, सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं, जीवन है, अगर काम में नहीं लगेगा तो जीवन चलेगा भी नहीं। आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग भी ऐसी प्रेम बना के रखें, बचपन से जो भाई है उनसे मिले, आप लोग भी ऐसा ही वीडियो बनाएं और लाइक करें, क्या बात, और शेयर करें। अरे धीरज भाई तो पूरा मैच्योर आदमी है भाई, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ना। सब्सक्राइब छूट गया था आपसे धीरज भाई, हो जाता है कभी-कभी मिस्टेक हो जाता है, सब्सक्राइब वाला ही बोल दीजिए आप, हाँ क्या बोले, सब्सक्राइब करें। तो धीरज भाई जैसा कि आप अपने धीरज भाई को सुना कि इन्होंने कहा कि मोहब्बत का पैगाम इन्होंने दिया है कि इस तरीके की मोहब्बत आप लोग बरकरार रखें, और खासकर जिनके साथ आपने वक्त गुजारा है, समय गुजारा है, कभी उनको भूले नहीं, रखा नहीं है, हाँ जिंदगी में सब कुछ प्रेम रखें, इस तरह की जो भाषा आप जो बोल रहे हैं ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, इस तरह की भाषा जो है या मिठास जो आपकी ज़बान में जो है कहाँ से आया, कैसे आप लोग इस तरह का संस्कार जो है आपने पाया? ये हमने स्कूल में सब पढ़ाते थे कि प्रेम से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है, प्रेम ही सब कुछ है, धरती पे जमीन जथा सब यही रहना है, इतना जरूर सीखे हैं, बाकी कुछ सीखने चाहे नहीं सीखे, संस्कार सीखे हैं। ओह क्या बात है, देखा आपने दोस्तों कि इन्होंने कितनी बड़ी बात करी कि प्रेम से बड़ा जो है जीवन में ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है,
सारी की सारी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद यही रह जाएगी। और आदमी यार हाफिज़ साहब हैं वो कहते हैं कि क्या ठिकाना है जिंदगानी का और आदमी बुलबुला है पानी का। तो दोस्तों जिंदगानी का, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमेशा मोहब्बत अखलाक बना करके रखें, ख़ासकर जिनके साथ आप रहे हैं, जिनके संपर्क में आप रहे हैं, उनको कभी भूले नहीं, उनको कभी छोड़े नहीं, और यादों को जो है मेंटेन करके रखें। मैंने, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपने कटोरी में धीरज भाई को खिलाया, धीरज भाई बहुत खुश हुए मेनली। और ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। तो धीरज भाई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।